आज का अपना टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बिना सूत्र के माध्यम से ट्रिक के जरिए आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो देखिए, इसमें बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है आपके क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या क्रय, इसका मतलब होता है खरीदना। अगर कोई सी भी वस्तु आपने खरीदी तो वो किसके अंदर आता है? क्रय मूल्य के अंदर। आपका जो सवाल आएगा उसमें खरीदना नहीं आएगा, उसमें आएगा क्रय मूल्य, मतलब समझ ही आएगा कि वो खरीदना है। दूसरा होता है आपके विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसका मतलब होता है बेचना। अगर किसी भी वस्तु को आपने बेचा तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसका मतलब खरीदना और इसका मतलब बेचना। अब देखिए, इसको समझिए इस तरह से। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मैंने 500 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उस वस्तु को 700 रुपए में बेच दिया। 500 रुपए में तो खरीदी और 700 रुपए में उस वस्तु को बेच दिया। तो जाहिर सी बात है, 500 में खरीदी थी, 700 में बेच दी, लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है? 200 रुपए का। यहाँ पर लाभ हो रहा है आपके 200 रुपए का, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ कैसे निकाला? विक्रय मूल्य में से क्या घटाया? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। अब ये तो निकल गया लाभ। अब आपको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। मेन चीज जो होती है वो परसेंटेज में पूछता है अक्सर सवाल। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज याद रखने की जरूरत है, अगर लाभ होता है या फिर होती है हानि, हमेशा किसके ऊपर होगी? क्रय मूल्य के ऊपर। लाभ होगा तब भी क्रय मूल्य के ऊपर, और हानि होगी तब भी क्रय मूल्य के ऊपर। अब देखो, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना? 500। और किसके ऊपर कितने का लाभ हुआ? 200 रुपए का। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम अगर भिन्न है और उसको प्रतिशत बदलना है तो किसे गुणा कर देंगे? 100 से। 200 कैंसिल, 5 का भाग इसमें दोगे तो आ जाएंगे आपके 40%। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 40% का लाभ हुआ। एक उदाहरण और लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने 900 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को आपने 720 रुपए में बेच दिया। 900 रुपए में तो खरीदी थी और 720 रुपए में उसको बेच दिया। अब यहाँ से देखिए, लाभ हुआ या हानि? हानि होगी, क्योंकि 900 में खरीदी थी और कितने बेच दी? 720 रुपए में बेच दी। कितने की हानि हुई? 180 रुपए का यहाँ पर हानि होती है। 180 रुपए की यहाँ पर हानि होती है। तो हानि कैसे निकालोगे? क्रय मूल्य में से क्या घटा दोगे? विक्रय मूल्य घटा देंगे, या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तभी आपकी हानि आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हानि निकल गई। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है, अभी क्या बताया, लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो ये क्रय मूल्य यहाँ से कितना? 900। और यहाँ से देखो, हानि कितने की हुई? 180। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 कैंसिल, 9 का भाग इसमें दो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो यहाँ पर हानि कितनी हुई? 20%। तो यहाँ तो होता है आपके लाभ और यहाँ होती है आपके हानि। तो इस प्रकार बस आपका आज का चैप्टर यही है। अगर लाभ होता है तो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर, और हानि होती है तो किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सूत्र देखना चाहो तो सूत्र ये होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और अगर आप हानि प्रतिशत निकालते हो तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लेकिन आपको यहाँ सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज याद रखने की जरूरत है। और वो है, अगर आपको लाभ होगा तो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगा, और हानि होगी तो वो भी क्रय मूल्य के ऊपर होगी। आया समझे? अब देखिए, क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा भी, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर एक है, एक साइकिल को 6,000 रुपए में खरीदा, 6,000 रुपए में खरीदा और 4,800 रुपए में बेच दिया, 4,800 रुपए में बेच दिया, तो हानि
या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक साइकिल को हमने 4800-6000 रुपए में खरीदा, ये कोई भी साइकिल है ठीक है, ये साइकिल ठीक है, इसको कितने रुपए में खरीदा? 6000 रुपए में खरीदा। खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और बेचने को क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, कितने में खरीदा? 6000 में खरीदा। और कितने में बेच दिया? 4800 रुपए में बेच दिया। अब बताओ सीधा सीधा दिख रहा है, 6000 में खरीदा था और कितने बेच दिया? 4800 रुपए। बताओ लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? यहाँ पर देखो हानि हो रही है। और कितने रुपए की हो रही है? 1200 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, आपको क्या करना है? तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या हो रही है? हानि प्रतिशत ज्ञात होगा। अब जो भी लाभ हो या हानि हो हमेशा किसके ऊपर होगी? क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना? 6000। ठीक है, और हानि हो रही है कितने रुपए की? 1200 रुपए की। और प्रतिशत बदले किसे गुणा? 100 से गुणा। 2020 कैंसिल, 10 कैंसिल, 6×12 कितने परसेंट की? 20% की यहाँ पर क्या होती है? हानि होती है। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। मान लीजिए एक कार है, क्वेश्चन नंबर दो देखें। एक कार को 80,000 रुपए में, 80,000 रुपए में खरीदा और 60,000 रुपए में, 60,000 रुपए में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 80,000 रुपए में खरीदा और 60,000 रुपए में बेच दिया, आपको क्या ज्ञात करनी है? हानि प्रतिशत। सिंपल सी बात है, कोई काम करेंगे, इधर तो आपके क्रय मूल्य और इधर आपके विक्रय मूल्य। अब यहां से देखिए कितने में खरीदा था? 80,000 में। कितने में बेच दिया? 60,000 में। 80 में खरीदा था और 60 में बेच दिया, लाभ हो रहा है हानि? हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है? 20,000 रुपए की यहाँ से हानि हो रही है। आपको ज्ञात करना है हानि प्रतिशत, लाभ हो या फिर हानि हो किसके ऊपर होगी? क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना? 80,000। ठीक है, बट ऊपर कितने की हानि हो रही है? 20,000 की, और गुणा किससे? 100 से। देखो 4 जीरो से 4 जीरो, 2 का भाग इसमें 4 का भाग इसमें 25 बार, तो यहाँ से कितने परसेंट की हानि हो रही है? 25% की हानि हो रही है। तो देखो अगला सवाल है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और यही सवाल इस रूप में भी आ जाता है, बात एक ही होगी, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का 20/23 हो, तो बात एक ही है, क्योंकि अनुपात को किसमें लिख सकते हैं? भाग के रूप में लिख सकते हैं, तो डिवाइड में आ जाए चाहिए आ जाए। यहाँ ध्यान रखना है क्रय मूल्य और इधर आपके विक्रय मूल्य, ठीक है, दोनों का जो क्रय और विक्रय, इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है? 20:23। आप ये ध्यान रखना है जो पहले आता है, जो जैसे क्रय मूल्य पहले आया तो इसका हिस्सा कौन सा होगा? पहले वाला। जो बाद में आता है उसका हिस्सा बाद वाला, ठीक है। और यहाँ भी देखो, अगर क्रय तो पहले वाला कितना? 20, और विक्रय बाद वाला कितना? 23। तो जो पहले आएगा उसके पहले वाला और जो बाद में आएगा उसके बाद वाला। अब यहाँ देखो क्रय मूल्य कितना हो गया? 20। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 23। ठीक है, कितने में खरीदी थी? कितने में बेची? मतलब लाभ हुआ या हानि? कितने का? 3 रुपए का। क्या याद करना है? लाभ प्रतिशत। लाभ हो या हानि किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना? 20। लाभ कितना? गुणा किससे? 100 से। 0 0 कैंसिल, 2 का भाग इसमें और 5 3 15%। देखो नॉर्मल साधारण से माध्यम से आप बड़ी आसानी से, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, अनुपात आते हैं, एक्स वाई मान में बैठ जाते हैं, तो आपको यहाँ कोई मानने की जरूरत नहीं है,
क्या करना है, जो पहले आता है उसका अनुपात पहले वाला और जो बाद में आता है उसका अनुपात बाद वाला। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, 20 अनुपात 23 दे रखा था, क्रय मूल्य का 20 और विक्रय मूल्य का 23। तो देखो क्रय मूल्य तो क्या 20 और विक्रय मूल्य हो गया, मतलब 20 में खरीदी थी और कितने बेच दी 23 में। लाभ हुआ कितने रुपए का, 3 रुपए का। लाभ हो चाहे फिर हानि हो हमेशा किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर 20 और इसके ऊपर 3। 0-0 कैंसिल, 2 का भाग इसमें 2 के 5 बार और 5 थी 15% का लाभ हो गया। देखो अगला, किसी वस्तु को 5000 रुपए में बेचने पर 1000 रुपए का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो किसी वस्तु को कितने में बेचा, ये कौन सा मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको, ये हो गया आपके विक्रय मूल्य कितने का, 5000 रुपए, ठीक है। और लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है आपके 1000 रुपए का। अब देखो आपको बार बार क्या बताया जा रहा है, लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा किसके ऊपर होती है, विक्रय मूल्य के ऊपर। अब यहाँ क्रय मूल्य नहीं दे रखे हैं, क्या निकालेंगे, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ कितने पे हुआ, 5000 का, 5000 में बेची तब लाभ हुआ ना, और कितने का लाभ हुआ, 1000 का। तो 5000 में से कितना घटा देंगे, 1000 घटा देंगे तो क्या जाएगा, क्रय मूल्य 4000 आ जाएगा ना। 4000 में खरीदी तो 1000 रुपए का लाभ कब होगा, तब उसको कितने में बेचेंगे, 5000 रुपए में। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, थोड़ा सावधानी बरतनी है। क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 5000 माइनस 1000 तो कितना आ गया, 4000। अब बन गया अपना वही क्वेश्चन, ठीक है ना। लाभ 1000 रुपए का, क्रय मूल्य कितना, 4000। तो जो भी होता है लाभ हो या नहीं किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है, 4000, ठीक है। और इसके ऊपर कितने का लाभ हुआ, 1000 का। और गुणा किससे, 100 से, 3-0 कैंसिल, 4 का भाग दोगे तो 25 बार। कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का। तो यहाँ गलती ये मत कर देना जो ये विक्रय मूल्य है, हाँ वही कह रहा हूँ मैं, ये गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट। तो आपको थोड़ा समझ के चलना है, अगर बेचना आ जाए तो विक्रय मूल्य और खरीदना आ जाए तो क्रय मूल्य। अब वो 5000 में बेच कर 1000 रुपए का लाभ कमा रहा है तो जाहिर सी बात है उसने कितने में खरीदी थी, 4000 रुपए में खरीदी थी। अगला क्वेश्चन है आपके, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। को दो तरीके समझ सकते हैं, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब देखो यहां से इसमें से लिखेंगे अपन 20 वस्तुओं का मतलब कि क्या होता है, गणित में होना क्या होता है, होना 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय ठीक है, बराबर किसके हैं, 16 वस्तुओं के। यहां भी क्या मतलब का है, 16 * क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। एक आ सवाल ने 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। अब देखो यहाँ एक कंडीशन आती है, पहले भी पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, 10 × D आ जाए या 5 × C आ जाए, समय काम दूर में पढ़ा होगा। तो जो ये मतलब ये पहला नंबर आता है ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, और जो दूसरा नंबर आता है ये हमेशा पहले व्यक्ति के लिए आता है। मतलब यहाँ से आपका जो 20 है ये तो क्या है, विक्रय मूल्य, और जो आपका 16 है ये क्या है, विक्रय मूल्य। ये ध्यान रखना है, जो पहली संख्या आएगी वो किसके लिए आएगी, दूसरे के लिए, और जो दूसरी संख्या आएगी वो किसके लिए आएगी, पहले के लिए आएगी। ये हमेशा आपको याद रखना है, और वैसे भी आप याद रख सकते, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ सवाल में आ जाता है कि डायरेक्ट लाभ प्रतिशत याद करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य तो क्या होगा, छोटा, और विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय हो गया आपका 16, और विक्रय क्या हो गया, विक्रय क्या हो गया आपका 20। भाई क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो क्या होगा, लाभ होगा ना, वरना लाभ कहाँ से होगा। तो अगर लाभ आ जाते तो डायरेक्ट ऐसे सोच लो कि क्रय मूल्य छोटा होगा और विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और हानि आ जाती है तो विक्रय मूल्य छोटा होगा और क्रय मूल्य बड़ा होगा।
और अगर आपको ऐसे में ध्यान रहता है तो ये ध्यान रखो, पहला वाला जो आता है हमेशा किसके लिए आएगा, दूसरे के लिए, और दूसरा आएगा किसके लिए आएगा, पहले के लिए। अब जाहिर सी बात है वो बन गया अपना सिंपल, बताओ कितने का लाभ हुआ, चार रुपए का, 16 में खरीदी 20 में बेच दी, 4 रुपए का लाभ हुआ। अब क्या याद करना है, लाभ प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर करेंगे, क्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य कितना 16, कितने का लाभ हुआ 4 का, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा 4 का भाग 4 बार, और 4 का भाग 25 बार, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 25 प्रतिशत का लाभ हो रहा है। आगे समझिए, अब ये देखो, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 1 केजी की जगह 900 ग्राम तोलता है, 1 केजी की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। देखो अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और अक्सर एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। देखो एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। अब देखिए यहाँ से 1 केजी मतलब इधर ग्राम में दिया हुआ है, तो किलो को भी किस में बदलेंगे, 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000, यहाँ हो जाएगा आपके 1000 ग्राम हो गया। आप 1000 ग्राम की बजाय कितना तोलता है, 900, कितने का लाभ कमा रहा है, 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है, 1 किलो की बजाय वो तोलता है 900 ग्राम, तो जाहिर सी बात है लाभ कितना कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है 100 ग्राम का, ये प्रत्येक पे 100 ग्राम का वो लाभ कमाता है, ठीक है, लाभ कमाता है क्योंकि नाम में उसके बेईमान है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1000 ग्राम में 900 ग्राम तोलता है और कितने रुपए का लाभ कमाता है, 100 रुपए का लाभ कमाता है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, आपको लाभ क्या करना है, लाभ प्रतिशत, तो क्या करोगे, नीचे कितना लिखोगे, 1000 गलत, बस अक्सर स्टूडेंट यही गलती कर बैठते हैं, लाभ किस पर कमा रहा है, 900 ग्राम, किस पर कमा रहा है, 900 ग्राम पर, किस पर कमा रहा है, यहाँ लाभ किस पर कमाया, क्रय मूल्य पे कमाया, क्रय मूल्य पे कमाया, 1000 थोड़ी तोल रहे हो, तोल कितना रहा है, 900, देखो सवाल में आ जाए, तोलता है, मापता है, मापता है या नापता है, मतलब ऐसे कुछ भी आ जाए, तो जिससे तोलता है, जिससे मापता है, जिससे करता है, जिससे करेगा वो उसी पर क्या कमाएगा, लाभ। तो यहाँ पर बटन में कितना लिखोगे, 900, क्योंकि 900 ग्राम वाले बाट पर कमा रहा है ना लाभ, 1 किलो वाले पर थोड़ी कमा रहा है, नहीं तो 900 लिखोगे नीचे और ऊपर कितना, कितने का लाभ कमा रहा है, 100 रुपए का, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 2020 कैंसिल, 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9 सही, 11 सही, 1/9 प्रतिशत का वो क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा। आगे समझ में, ध्यान रखना ये चीज, जिस पर वो कमाता है उसके ऊपर आएगा, तो 900 रुपए पर कमा रहा है तो जस्ट 900 के ऊपर ये आपका आ जाएगा, तो ये गलती मत करना। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, देखो एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेन खरीद कर 11 रुपए में 10 पेन बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको तैयार करना है। देखो दो चीज आपको लिखनी है, ऊपर तो लिखना है खरीदना, खरीदा मतलब कितने में खरीदा, और नीचे लिखना है आपको बेचना, हमेशा जो खरीदा जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा ऊपर, और जो बेचा जाएगा वो लिखा जाएगा नीचे। देखो 10 रुपए में कितने पेन खरीदे, 10 रुपए में पेन कितने खरीदे, 11, ठीक है, और 11 रुपए में कितने पेन बेच दिए, 10 पेन बेच दिए, बस ट्रिक ये रखनी है आपको ध्यान, जो खरीदा जाएगा हमेशा आएगा ऊपर, और जो बेचा जाएगा हमेशा आएगा नीचे। अब आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है, इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा। देखो पहला जो खरीदा जाएगा वो हमेशा ऊपर, उसका बेनिफिट आपको कहाँ होगा, पहले इसको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 10-10 कितना हो गया, 100, ये हो गया आपके 10-10 कितना, 100, 10×10 हो गया आपके 100, ठीक है, 11×11 कितना हो गया, 121, जो पहले वाला आएगा वो तो आएगा आपके क्रय मूल्य,
और जो बाद वाला आएगा वो आएगा आपके विक्रय मूल्य। बस सावधानी ये रखनी है, जो खरीदा जाएगा वो हमेशा ऊपर और जो बेचा जाएगा वो हमेशा नीचे। अब बताओ कितने में खरीदाते हैं, कितने में खरीदे 100 रुपए में, कितने में बेच दिए, क्या हुआ लाभ, अपनी वही ट्रिक। और लाभ कितने रुपए का हुआ, 21 रुपए का। कितने रुपए का हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ। अब देखो यहाँ से क्या क्या याद करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ हुआ तो क्या याद करेंगे, लाभ प्रतिशत याद करेंगे। लाभ हो चाहे हानि हो किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य कितना 100, इसके ऊपर कितने का लाभ 21, प्रतिशत मूल्य किससे गुणा, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 21 प्रतिशत का क्या हुआ लाभ। सावधानी एक ही रखनी है, जो खरीदा जाएगा ऊपर और जो बेचा जाएगा नीचे। और जो फर्स्ट में गुणा करेंगे वो आएगा आपके क्रय मूल्य, और जो सेकंड में गुणा करेंगे वो आएगा आपके विक्रय मूल्य। सेम यही क्वेश्चन है, देखो 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे, वही चीज खरीदेंगे तो कहाँ ऊपर, खरीदना तो आएगा ऊपर और बेचना आएगा नीचे, ठीक है, बेचना नीचे और खरीदना ऊपर। 2 रुपए में कितने केले खरीदे, 2 रुपए में खरीदे यहाँ पर आपके 3 केले, और 4 रुपए में 4 रुपए की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, 4 रुपए में कितने की दर से 5 की दर से बेच दिए। यहाँ पर भी वही काम, खरीदा ऊपर बेचा नीचे। अब यहाँ से देखो पहले गुणा करेंगे, 5 दूरी कितना हो गया, ये तो क्या आएगा क्रय मूल्य, और 4 दूरी कितना हो गया, ये क्या आएगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल के आएगा 5 दूनी 10, और विक्रय मूल्य कितना निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया 12, ठीक है। तो बताओ लाभ हुआ या हानि, कितने रुपए का, 2 रुपए का। 2 रुपए का लाभ हुआ, आपको निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत, जो भी होगा वो किसके ऊपर होगा, क्रय मूल्य कितना 10, और इसके ऊपर लाभ होगा, और गुणा किससे 100 से, 0 से 2 से गुणा करेंगे तो 20% का क्या होगा लाभ। आया समझ में।